और जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लेते हैं अब, क्योंकि आज वहां लोकतंत्र दिवस है। आज दुनिया देखेगी कि आखिर किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने गणतंत्र को हरा दिया है और जम्मू कश्मीर में गणतंत्र की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए आज मतगणना की जाएगी। सुबह 9 बजे शुरुआत होगी मतगणना की, जिसके बाद 280 सीटों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे 4181 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक 8 चरणों में हुए चुनाव के बाद 16 दिसंबर को सातवें चरण में सबसे अधिक 57.22% वोटिंग यहां पर हुई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। जब आतंकवाद और अलगाववाद पर अमन की जीत होती है तो वैसा जश्न मनाया जाता है। जब गणतंत्र पर गणतंत्र की जीत होती है तो वैसी खुशियां दिखाई देती हैं। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के लिए जिस तरह का उत्साह राज्य में दिखाई दिया, उसने कश्मीर में आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान और कश्मीर में हिंसा फैलाने वाले आतंकी गुटों को साफ संदेश दे दिया कि अब जम्मू कश्मीर की जनता आर्टिकल 370 की तरह आतंकवाद और अलगाववाद से पूरी तरह मुक्ति चाहती है। डीडीसी चुनाव नतीजों के साथ बुलेट को बैलेट का यह जवाब और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए मतगणना आज होगी। इसी के साथ 4181 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। इस बार डीडीसी चुनाव में 450 महिला उम्मीदवारों ने भी अपना भाग्य आजमाया है। जम्मू डिवीजन की 140 सीटों और कश्मीर डिवीजन की 140 सीटों के लिए मतगणना होगी। डीडीसी चुनाव के लिए आज 20 जिलों में मतगणना की जा रही है। 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक कुल 8 चरणों में डीडीसी चुनाव हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन यानी PAGD में मुख्य मुकाबला है। जम्मू कश्मीर के हर जिला हेडक्वार्टर में जो है सीटों की गिनती जो है वो की जाएगी। 280 सीटों के लिए जो है चुनाव हुए हैं। इस समय हम जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में खड़े हैं और ये जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो है काउंटिंग सेंटर है और यहाँ पे 40 जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं पूरी तैयारियां जो है इलेक्शन विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पे की जा चुकी हैं। आज मतगणना स्थल पर पारदर्शिता के लिए पार्टियों के एजेंटों की मौजूदगी के साथ साथ मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जा रही है। इसके अलावा कोरोना महामारी को लेकर भी पूरी सतर्कता बढ़ती जाएगी। इस दौरान सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। हर एक काउंटिंग सेंटर को सिक्योर किया जाता है, ये एक जिम्मेवारी है, क्योंकि जब तक काउंटिंग नहीं होगी तो इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। सो प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हैव बीन मेड। जो हॉल बनाए हैं उसमें नंबर ऑफ टेबल्स को कम किया है इस बार। जैसे पहले एक हॉल में अगर 10 टेबल रहते थे या 14 रहते थे, तो इस बार नंबर ऑफ टेबल हर एक हॉल में कहीं पर 5 कहीं पर 6 रखा गया है। डीडीसी चुनाव में बीजेपी कांग्रेस और पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के बीच मुकाबला है। कश्मीर केंद्रित मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों ने गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन यानी PAGD के बैनर के तले चुनाव लड़ा था। इन पार्टियों में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी शामिल। आज डीडीसी चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलेगी और कौन हारेगा, लेकिन जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया उसे गणतंत्र पर गणतंत्र की जीत माना जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। जिम्मेदारी से कहता हूं कि कश्मीर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत चुनाव जीत गई, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है, लोगों ने जमहूरियत में पार्टिसिपेट किया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।